जबलपुर में चुनावी कवायद तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति बना रहे हैं। हर स्तर पर वोट साधने की राजनीति चल रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ गठित किया है। परिवहन व्यवसाय से जुड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान दिया गया। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ द्वारा जानकारी प्रदान की गई। परिवहन विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर आंदोलन किए जाएंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार से परिवहन व्यवसायों की समस्याओं के निराकरण की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ जी, मैं जबलपुर जिलाध्यक्ष प्रकोष्ठ दिया है जिलाध्यक्ष का, और हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे माध्यम से किसी भी गाड़ी वाले को किसी तरह से भी परेशानी हो और डीजल का रेट कम हो, GST में है, साथ में RTO बैरियल में भी गाड़ियों को रोक रोक के बहुत ज़्यादा मतलब अवैध वसूली की जा रही है। थानों में भी बहुत परेशान कर रहे हैं इस समय पर। हाँ, उसकी रोकथाम की जाए और उसी का प्रकोष्ठ कमलनाथ जी को भी धन्यवाद करते हैं कि हम आगे इसी तरह से काम करते रहें। आपका नाम? DS पटेल, देवी सिंह पटेल, जबलपुर। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।